This is Corna and guests, welcome back to our channel Corna's World to World. So wish you all in advance a very very happy Diwali. So aaj ke video bhi Diwali special hai. So Diwali is called jewelry for me. So jewelry ke bina Diwali kya jamti hai? Bilkul nahi. Isiliye aaj main aap logon ke sath share karungi Diwali special my jewelry collection. Ab keh lo Diwali ke liye hi jo jewelry maine khareedi hai ya mujhe mili hai wo sab jewelry se aap logon ke sath share karungi. I think agar aap koi bhi plain t-shirt ya dress pehen lo uske sath agar aapki jewelry achhi khasi ho, gorgeous, attractive ho, then aapki dress bhi kafi beautiful ho jati hai. So I think ज्वेलरीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो हमारी ब्यूटी को और भी निखारती है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं स्पेशली रिंग्स पहनना बहुत पसंद करती हूँ. आप जानते हो मेरी हाथ में कितनी रिंग्स रहते हैं. नॉट ओनली वो जो रिंग्स है मुझे पहननी है इसीलिए मैं नहीं पहनती, क्योंकि जो स्टोन्स होती है वो तो मैं हाथ में भी पहन सकती हूँ ना, लेकिन मुझे रिंग्स पहनना पसंद है. दैट्स व्हाई मैं बहुत रिंग्स पहनती हूँ. सो आज ये जो ब्यूटीफुल प्लैटिनम फिनिश रिंग आप देख पा रहे हो, मेरी नज़र तो इससे हटती नहीं है जब से मुझे ये मिली है. इसकी जो स्टोन है ना बिल्कुल डायमंड की तरह चमकती है. सो मेनली ये एक इंस्टाग्राम स्टोर से मुझे मिली है एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं इसकी फैन हो गई हूँ, दीवानी हो गई हूँ. ऐसी एक बॉक्स में आपको मिलेगी आपके रिंग. सो अगर आप प्लैटिनम ज्वेलरीज के फैन हो ना, देन डेफिनेटली आपकी कलेक्शन में ऐसी रिंग होनी चाहिए. और ये जो ब्रांड है लायता, मेनली ये लोग अभी रिंग्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, वुमेन्स रिंग. सो या बिल्कुल एक एंगेजमेंट रिंग की तरह ये देखने में है. सो मुझे तो ये बहुत पसंद है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं इसके लिंक डाल दूंगी, आप वहीं से ज़रूर एक बार चेक करना, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल है. ऐसे प्लैटिनम फिनिश रिंग मैं इसे काफ़ी दिनों से पहन रही हूँ, लाइक 2 वीक्स तो मुझे हो ही गई है इसमें पहन रही हूँ. मैं रेगुलरली जब मैं बाहर जाती हूँ ऑफिस के लिए या जब मैं ऐसे ही आउट में जाती हूँ मैं इसे पहनती हूँ. एंड इस पर ना पानी भी लगती है, ऑयल्स भी लगती है, बट ये ऐसे की ऐसी ही है, कोई भी डिफरेंस आप नहीं देख पाओगे इसमें. सो दैट्स व्हाई आई लव दिस. आप इसे रेगुलर वेयर में भी शामिल कर सकते हो एज वेल एज आप इसे कोई स्पेशल ओकेजन के लिए भी मौजूद रख सकते हो. उसके बाद जो मैंने जो ईयरिंग पहनी है ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलर की ईयरिंग है. ऐसी कलर की कोई भी ज्वेलरी मेरे पास नहीं है. एग्जैक्टली ये पर्ल तो नहीं है बट बहुत ही ब्यूटीफुल है स्टोन के साथ. यहाँ पे वाइट पर्ल नेक्स्ट एक्सट्रीम टाइप की कलर है. इसके साथ एक नेकलेस भी आई है, में तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल है. इसके अंदर गोल्डन शीन भी है. सो आप देख पा रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल है. आप इसे कोई भी इंडियन ड्रेस या इंडो वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी ट्राई कर सकते हो. गाउन के साथ भी ये अच्छी लगेगी एज वेल एज इंडियन साड़ीज़ के साथ, कुर्तीज़ के साथ भी ये काफ़ी अच्छी दिखेगी. नॉर्मली ये दिवाली गिफ्ट है जो मेरे पापा ने मुझे दी है स्पेशली फॉर दिवाली. एंड सी हाउ प्रिटी दिस इज़. ओके उसके बाद यू नो गाइस कि मैं ईयरिंग्स की कितनी शौकीन हूँ. सो अगेन मेरी पापा ने मुझे ये गिफ्ट किए हैं स्पेशली फॉर दिवाली. इट्स अ ब्यूटीफुल क्यूट सी बॉक्स, इट्स अ गिफ्ट बॉक्स. ओके और इसको खोलने के बाद मेरी जो ईयरिंग्स है होपफुली आप देख पा रही हूँ, आई एम नॉट श्योर बट आपको दिखाती हूँ मैं. पिछले वीडियो में मैंने इसे पहनी थी. सी इसमें दो ह्यूज साइज की वाइट पर्ल है एंड वाइट स्टोन के साथ एक रेड स्टोन की कॉम्बिनेशन में ये ईयरिंग ना बहुत ही क्लासी एलिगेंट दिख रही है. उसके बाद और एक गिफ्ट मुझे मिली है, अगेन गिफ्ट बॉक्स, आई लव दिस बॉक्स एक्चुअली. उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेसलेट है जिसमें वाइट के साथ ग्रीन स्टोन की ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है. देखिए आप दिवाली के लिए बिल्कुल बेस्ट है. अगर आप एक ईयरिंग्स पहन लो बनी उसके साथ एक ब्रेसलेट, देन आपको और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है गाइस. सो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक, बहुत ही ब्यूटीफुल है. फिर भी मेरी पापा ने ही मुझे गिफ्ट किए हैं स्पेशली फॉर दिवाली. सो सी अब
देख पा रहे हो इसकी काम कितनी, आई मीन क्या कहूँ, प्रोमिनेंट काम है, बिल्कुल आप देख ही पा रहे हो. और कॉम्बिनेशन जो है ना स्टोन की, वो इस डिज़ाइन को और भी ब्यूटीफुल बना रही है. नेक्स्ट, इसके बाद मैंने अमेजोन से कुछ ज्वेलरीज खुद खरीदी है. सो ये है फ्रॉम द ब्रांड suki.com, ऑनलाइन फैशन ज्वेलरी स्टोर. सो अमेजोन में अगर आप अभी खरीदोगे ज्वेलरीज में आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलेगी, क्योंकि दिवाली चल रही है. एंड इसमें भी बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी. इसका टोटल शेड गाइस, और यहाँ पे आपको एक मांगटी का ईयर रिंग्स के साथ साथ नेक पीस भी मिल जाएगी. मैंने सोची थी कि मैं एक ब्राइडल करूँगी, ब्राइडल मेकअप, बट अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल नहीं है अभी. प्राइस क्यों पॉसिबल नहीं है ये भी मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी, बट वीडियो के लास्ट में मैं आऊँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शेयर करना बाकी है अभी. सो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक. जो ज्वेलरी है वो भी एक सेट है, मांगटीका भी है इसमें. सो मैं पर्सनली अभी मांगटीका पहनना बहुत पसंद कर रही हूँ. मैंने अमेजोन से ही ली है. एंड सी हाउ ब्यूटीफुल द चोका इज, सी बहुत ही खूबसूरत है ये गाइस. इसमें भी वाइट स्टोन के साथ पर्ल की कॉम्बिनेशन है. ये एक चोका नेक पीस है विच आई एक्चुअली लव. अगर आप बाकी समय खरीदो ना, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ जाएगी, बट एज दिवाली है एंड सेल चल रही है, देन बहुत ही अच्छी खासी डील. अगर जा रहे हो ना ज्वेलरी की दीवानी होते ना, अभी जाके आप ले लो. उसके बाद मांगटीका और ईयर रिंग उस पर है, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे थी वो है एक स्टोन खुली हुई थी. सो आपको इसमें भी जोड़नी पड़ेगी गम से. दीज आर द ईयर रिंग्स. सी इसकी लेंथ भी काफ़ी ठीक ठाक है. And this is the mang tikka. बहुत ही beautiful है ये, बहुत ही beautiful. See, white के साथ pearl की combination मुझे personally बहुत पसंद है. आप इसे कोई भी color के साथ try कर सकते हो, चाहे वो black हो, light color की हो या deep color की हो. गाइस मेरी दिवाली में आपको खुद के लिए तो खरीदनी होती है, बाकी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए भी खरीदनी होती है. दैट्स व्हाई मैंने यही सारी ज्वेलरीज परचेज की है एंड गिफ्ट्स में भी मिली है. सो कुल मिला के मेरी दिवाली तो बहुत ही गॉर्जियस होने वाली है. सो यस, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कैसे लगी मेरी ज्वेलरीज फॉर दिवाली. एंड या जो मैं कहना चाहती थी आप लोगों के साथ, सो मेरी एक रिसेंट बहुत दिनों से मैं एक ड्रॉप जॉब के लिए ट्राई कर रही थी. सो फाइनली मुझे वो मिली है एक बड़ी MNC कंपनी में. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो देन डेफिनेटली आप जान ही जाओगे. सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ID जो है मेरी स्क्रीन पर मैं दे दूँगी, आप देख पाओगे मेरी इंस्टा ID में. अगर आप चाहो मुझे फॉलो भी कर सकते हो. सो या मैं 23rd में कोलकाता से चली जाऊँगी, क्योंकि 24th में मेरी ज्वाइनिंग है. डेफिनेटली मुझे बहुत सारी प्लानिंग थी वीडियोस को लेके. मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी कि मैं रिसेंटली एक गिव अवे भी अरेंज करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी पॉसिबल नहीं है. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पोस्ट वीडियोज़ फ्रॉम देयर. एक्चुअली मैं पुणे जा रही हूँ. सो अगर आप मेरी व्यूअर्स हो कोई भी पुणे से, देन डेफिनेटली आई विल लव टू मीट यू गाइज. प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहो मेरी इंस्टा हैंडल में, यूट्यूब में भी. मैं मेरी बेस्ट कोशिश करूँगी, जो बेस्ट लेवल की कोशिश है, क्योंकि आप लोगों से दूर रहना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं. एंड आई कांट लिव विदाउट यू गाइज. गाइज एक तरह मेरी जो खुशी है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है. मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि जिस कंपनी के लिए मैं ट्राई कर रही थी जिससे फाइनली मुझे वो मिल गई. सो मैं पुणे जा रही हूँ एंड फॉर 1 ईयर. एंड नेक्स्ट आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात शायद रेगुलर नहीं होगी, शायद फिंगर क्रॉस. बट ये भी यू गाइस नो दैट मैं कितनी आप लोगों के साथ बात करना पसंद करती हूँ. एक तरफ शायद आप लोगों के साथ मेरी अभी रेगुलरली मुलाकात नहीं होगी, एंड इतनी सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर दी, खरीदी, स्पेशली मुझे बहुत सारी वीडियोस करनी थी, दैट्स व्हाई. बट ये अगर पॉसिबल नहीं होगी, बट या डेफिनेटली मैं वीडियो तो पोस्ट करूँगी, लेकिन शायद मेरी प्लान के मुताबिक सब नहीं होगी अभी. सो यस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग.
See you soon at my next video. Till then, bye bye. Take care of yourselves, and I love you all. Bye bye.